हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। आज की वीडियो में हम JF-17 ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 के रडार्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। JF-17 ब्लॉक 1 में KLJ वर्जन 1 या टाइप 1478 रडार को इस्तेमाल किया जाता है। ये रडार चाइना की चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी कंपनी के नंबर 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। ये रडार एक मैकेनिकली स्कैंड रडार है। KLJ-7 वर्जन 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज, क्लोज इन एयर टू एयर कॉम्बैट, ग्राउंड सर्विलांस और एंटी जैमिंग स्लाइंथों से लैस है। ये रडार एक साथ 40 टारगेट्स को मैनेज, 10 टारगेट्स को ट्रैक वाइल स्कैन मोड में ट्रैक और 2 टारगेट्स को एक साथ एंगेज कर सकता है। 3 मीटर RCS के ऑब्जेक्ट के लिए इस रडार की डिटेक्शन रेंज 85 किलोमीटर है, जबकि सर्फस और सी टारगेट्स को रडार 135 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 के 50 हथियारों में इस रडार को इस्तेमाल किया जाता है। JF-17 ब्लॉक 2 में KLJ-7 वर्जन 2 रडार को इस्तेमाल किया जाता है। इस रडार को चाइना की चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के नंबर 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। ये रडार 40 टारगेट्स को एक साथ डिटेक्ट, 12 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक और 2 टारगेट्स को एक साथ एंगेज कर सकता है। KLJ-7 वर्जन 2 एक एयरबोर्न पल्स डॉपलर फायर कंट्रोल रडार है। इस रडार की एयर टू एयर डिटेक्शन रेंज 5 मीटर RCS ऑब्जेक्ट के लिए 130 किलोमीटर, जबकि सी टारगेट्स को डिटेक्ट करने की रेंज 170 किलोमीटर है। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 ब्लॉक 2 के 60 हथियारों में इस रडार को इस्तेमाल किया जाता है। JF-17 ब्लॉक 3 में KLJ-7A AESA रडार को इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 के लिए इस रडार का एयर कूल्ड वर्जन को सिलेक्ट किया है। KLJ-7A में तकरीबन 1000 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स को ऐड किया गया है। ये रडार 15 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक और 4 टारगेट्स को एक साथ एंगेज कर सकता है। इस रडार में 11 ऑपरेशन मोड शामिल हैं, जिनमें सिंथेटिक अपर्चर मोड भी शामिल है। इस रडार की एयर टू एयर डिटेक्शन रेंज 3 मीटर RCS के ऑब्जेक्ट के लिए 170 किलोमीटर और सी टारगेट्स के लिए डिटेक्शन रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 50 JF-17 ब्लॉक 3 का ऑर्डर दे दिया है, जिनमें KLJ-7A रडार को इस्तेमाल किया जाएगा। KLJ-7A एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड रडार है, जिस वजह से इस रडार को जैम नहीं किया जा सकता। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए।